महासमुंद जिले के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बसाहट को जोड़ने के लिए महासमुंद विकासखंड के झाल खमरिया गांव में राम कुमार और फुलवर कुमार के घर पहुंचकर उनसे केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारियां ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर 9,64,20,000 की लागत वाली 12 सड़कों का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनमन योजना का उद्देश्य विकास के पायदान में सबसे नीचे जनजातियों के विकास और उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। महासमुंद से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। विकास की पंक्ति में सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए ऐसे हमारे पीवीटी जी आदिवासी भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आए और सरकारी योजनाओं का लाभ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ प्रारंभ की है, उन योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ में एक साथ ऐसे बंधुओं को मिल सके, इस दृष्टिकोण से जो योजना प्रारंभ की थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा के समय ये बात ध्यान में आती है, नल योजना के बारे में, नल सुविधा करी से, वास घर के सुविधा कर रही से, राशन कार्ड की सुविधा कर रही से, सड़क की सुविधा कर रही से, ये सुविधा तो गैस के सुविधा कर रही से। ये सुविधा कब मिली से, के साल ले पा सकती है नल के सुविधा ला? अभी तो 1.5-2 साल हुआ थे। और सरकार से का चाहता तू माने कमार जाति को उत्थान के लिए? कमार जाति के उद्धान के लिए आए लोग लड़का मन 8वीं पढ़े है, बोला कुछ कनो कनो का स्कूल में लग जाए से कि बोला धन्यवाद देवत हम सर। और आपके द्वारा जो सामान जो बनाया जाता है बोला कहाँ भेजते, कहाँ मार्केट?